नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी आपकी पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी एंड फ्यूचर की एनर्जी के बारे में हम देखेंगे और हम देखेंगे यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड कर रहा है। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पास्ट मतलब आप जब ये रीडिंग देख रहे हो उससे 7 दिन पहले की एनर्जी रहेगी, और प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो वो होगी प्रेजेंट की एनर्जी, और फ्यूचर आप जब ये रीडिंग देख रहे हो तब से 7 दिन बाद की एनर्जी आप ले सकते हो। फिर भी अगर हम इसमें एक टाइम स्टैम्प लगा दें तो इसको आप 30 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक आपको ये आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, और आप रीडिंग सुनते रहिए, कभी ना कभी आपसे भी रेजोनेट ज़रूर करेगा। देखते हैं आज की रीडिंग। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड फ्यूचर में कैसा रहेगा आपका एनर्जी। वर्गो यानी कन्या राशि, देखते हैं पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी। वर्गो यानी कन्या राशि की पास्ट की एनर्जी, पास्ट में नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी थी आपकी। पास्ट में आप कुछ नया करना चाहते थे, कुछ नया शुरू करना चाहते थे, जो बहुत जल्दबाजी थी जिस काम में, आपकी एनर्जी जो थी एक चाइल्डफुल एनर्जी में आप थे, आप कुछ नया करना चाहते थे। हो सकता है नया बिजनेस, नया जॉब, नया मकान, नया कोई आपका कोई पसंदीदा कोई सामान जो आप खरीदना चाहते थे या फिर करना चाहते थे, लेकिन आप बहुत जल्दबाजी में थे और आप एक रिस्क भी लेना चाहते थे। पास्ट में जो आपका एनर्जी था वो एक नई शुरुआत की एनर्जी थी, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, आपने नई शुरुआत करना चाहते थे, आप चाहते थे बहुत जल्द किसी एक क्षेत्र में, काम में हो सकता है, रिश्ते में, जॉब में, पढ़ाई में, कुछ भी आप नया करना चाहते थे, जिस काम को आपने बहुत जल्दी जल्दी अंजाम देना चाहते थे, आप चाहते थे आप पॉजिटिविटी से कोई काम जल्दी से शुरू करना चाहते थे, और आपका जो एनर्जी था वो बहुत ही फर्स्ट एनर्जी था, आप रुकना नहीं चाहते थे। अगर कोई रिश्ते में है जो ये रीडिंग देख रहा है, तो आप रिश्ते में भी एक कदम आगे जाना चाहते थे, इंटीमेसी चाहते थे। पास्ट में जो आपका एनर्जी था वो रिस्क लेने वाला एनर्जी था, आप चाहते थे कुछ कर गुजर जाए, जैसा हम सोचते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो पास्ट में आप कुछ नया करना चाहते थे, नया शुरू करना चाहते थे, जिस काम को आप अंजाम देना चाहते थे उसको आप जल्दबाजी से करना चाहते थे, मैच्योरिटी से नहीं। आप चाह रहे थे कि ये काम बहुत जल्दी जल्दी निपट जाए तो अच्छा है, मैच्योरिटी उसमें नहीं थी, समझदारी नहीं थी, आप एक बच्चों की एनर्जी में आके जल्दी से उस काम को निपटना चाहते थे। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। देखते हैं फ्यूचर में, सॉरी प्रेजेंट में आपका एनर्जी कैसा है। प्रेजेंट में आप क्या चाहते हो, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। वर्गो यानी कन्या राशि, आप लोगों की प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आप थोड़ा रुके हुए हो, आप सोच रहे हो किसी बात को लेके, मुझे लगता है आप परेशान हो, आप किसी चीज़ को लेके डिसीजन लेना चाहते हो,
अगर आप रिश्ते में हो किसी के साथ तो आप सोच रहे हो कि उनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाया जाए या नहीं जाए, या फिर बहुत दिनों से रिश्ते में हो तो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो। कुछ भी आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो भी आप रुके हुए हो, सोच रहे हो। प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो थोड़ी रुकी हुई एनर्जी है, आप सोच में हो, लेकिन आप जल्दबाजी पहले भी चाहते थे, अभी भी चाहते हो, लेकिन अभी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप रुके हुए हो, आप सोच रहे हो, आप किसी सही वक्त की इंतज़ार कर रहे हो। मुझे लगता है आप डिसीजन लेना तो चाहते हो लेकिन आप किसी वक्त की इंतज़ार कर रहे हो या फिर किसी इंसान की इंतज़ार कर रहे हो। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में वो आए और वो प्रपोज करे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए आप रुके हुए हो, आप सोच रहे हो। बिजनेस की अच्छाई बुराई सब आप फिर से एक बार टटोल रहे हो, या आप जॉब करते हो फिर भी आपको उस जॉब में मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप रुके हुए हो। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि जब वो वक्त आए हम उस वक्त ही डिसीजन लेंगे। डिसीजन तो आप लोगे लेकिन आप उस सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो प्रेजेंट में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी का इंतज़ार हो सकता है, किसी वक्त का इंतज़ार हो सकता है, आप डिसीजन लेना चाहते हो सकता है कि आप लास्ट मोमेंट में जाके किसी चीज़ के बारे में डिसीजन भी ले लो, लेकिन आप थोड़ा रुकोगे, सोचोगे, फिर समझोगे, फिर जाके आप कोई डिसीजन लोगे। प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी वेटिंग की एनर्जी मुझे लग रहा है, लेकिन आप डिसीजन ज़रूर लोगे, लास्ट मोमेंट में लोगे। अभी आप रुके हुए हो, अभी आप सोच रहे हो, सोच समझ के अच्छी तरह से फिर जाके आप डिसीजन लोगे। फिर आते हैं आपकी फ्यूचर में कैसी एनर्जी रहेगी। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसी रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। फ्यूचर में भी आप अपने ही बारे में सोचोगे। अगर आप प्रेजेंट में दुखी हो या फिर दुखी नहीं भी हो, रुके हुए हो किसी कारण, किसी चीज़ की डिसीजन लेने की वेट कर रहे हो, तो फ्यूचर में भी आप अपने ही बारे में सोचोगे। आपको अपने बारे में सोचने का वक्त मिलेगा। प्रेजेंट फ्यूचर में आप अपने अंदाज से चलोगे, अपने अच्छाई के बारे में सोचोगे, अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, अपने पोजीशन, अपने पावर, खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे, खुद की स्टेबिलिटी पर आपको ध्यान, आपका ध्यान रहेगा। जिस चीज़ को आप पास्ट में जल्दबाजी से करना चाहते थे, फ्यूचर में भी आप खुद ही, खुद को ही प्रायोरिटी दोगे। आपको क्या अच्छा लगता है आप वही करोगे, आपका क्या खाना पहनना पीना, आप जो दुखी थे प्रेजेंट में, जो आपका एनर्जी है थोड़ा सोच विचार कर रहे हो, दुखी हो, लेकिन फ्यूचर में आपका वो एनर्जी नहीं रहेगा। फ्यूचर में आप अपने लिए डिसीजन लोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने अच्छाई के बारे में सोचोगे। फ्यूचर में आपकी जो एनर्जी होगी वो एक स्टेबल एनर्जी में आप आ जाओगे, आप अनस्टेबल नहीं रहोगे। आपकी माइंड और आपकी बॉडी, आपकी थॉट्स सब आपके साथ देंगे और आप अनस्टेबल नहीं रहोगे। क्या करना है, नहीं करना है, कब करना है, ये सब आप नहीं सोचोगे। आप सिर्फ अपने ऊपर काम करोगे, खुद को प्रायोरिटी दोगे। आप कुछ बड़ा करना चाहोगे, आप कुछ नया करना चाहोगे, जैसा आप पास्ट में चाहते थे। आप चाहोगे कि आप कुछ ऐसा कर गुजरो जिसे लोग करने के लिए सोचते हैं लेकिन आप उसको अंजाम देना चाहोगे। फ्यूचर में आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी, आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। फ्यूचर में आप ऐसा करोगे कुछ कि जिसके बारे में आपको खुद को भी अंदाज़ा नहीं था, ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि आप जो अभी रुके हुए हो, सोच रहे हो क्या मुझसे यह होगा या नहीं होगा, फ्यूचर में आप वो कर ही डालोगे। ये काम भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, रिश्ता भी हो सकता है,
जो आप प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी रहेगी थोड़ी रुकी रुकी सी बुझी बुझी सी रहेगी, लेकिन फ्यूचर में आप एक बोल्ड डिसीजन लेके कोई काम की तरफ आगे बढ़ जाओगे। फिर देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स जी का क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए वर्गो यानी कन्या राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी। वर्गो यानी कन्या राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं यूनिवर्स जी आपकी तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगी। टेन ऑफ कॉइन्स का कार्ड आपसे ये बोला जा रहा है कि आप मेहनत कीजिए, खुद को स्टेबल बनाइए, जैसा आपने फ्यूचर में करना भी है आप करोगे भी, आपका एनर्जी भी वैसी रहेगी। आप खुद को प्रायोरिटी दीजिए, मेहनत से आपको सब कुछ पाना होगा। आप अगर पैसों के लिए काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो तो आपको वो मिलेगा। लेकिन आपको जो कुछ भी करना है आपको अपने परिवार के साथ रह के करना है, परिवार का साथ लेना है, परिवार के साथ डिस्कस करना है, परिवार की जो प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में उसको आपको रखना पड़ेगा। आप जो कुछ भी करोगे फ्यूचर में अपने परिवार के साथ सलाह मशवरा करके कीजिएगा। परिवार के साथ रह के परिवार को साथ लेके आप जिस काम को करने की सोच रहे हो, चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, आप जो भी करोगे अपने परिवार के साथ इसका जो परिणाम है उसके बारे में सोच के परिवार के साथ रह के आपको वो काम करना पड़ेगा। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताइए। आपकी अच्छाई में जो लोग, बुराई में जो लोग आपके साथ रहते हैं वो आपके परिवार ही होते हैं। तो जो कुछ भी आपको करना है, अपनी स्टेबिलिटी पाना है, कोई डिसीजन लेना है, मेहनत करना है खुद पर, तो कीजिए, लेकिन अपने परिवार के साथ मिलके कीजिए, उन्हें भी अपने दुख में सुख में शामिल कीजिए। और अगर आप खुद परिवार के हेड हो, अगर आप ब्रेड अर्नर हो, तो आप अपने परिवार के साथ चलिए, परिवार को साथ लेके चलिए, ताकि आपकी जो परिश्रम है उसका जो परिणाम है वो सारे लोग आपके साथ उसको बांट ले, आपका दुख, आपका सुख, आपका जो भी है अपने परिवार के साथ आप बांटिए। परिवार को साथ रखिए, परिवार से पूछिए, परिवार से बात करके कोई भी डिसीजन लीजिएगा। अगर घर में अगर आपका कोई बड़ा है, अगर आप खुद घर के ब्रेड अर्नर हो जो रोटी कमाते हैं, तो आप बाकी जो घर वाले हैं उनके साथ अपना जो काम आप करोगे उसको डिस्कस कीजिए। अगर आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे भी पूछिए। ओवरऑल आपको जो भी करना है परिवार को साथ लेके ही करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।